आप देख रहे हैं हेल्प न्यूज इंडिया खबर सप्तक और खबर आज की ये है कि कल दिन सोमवार रानीबाग आर्य समाज मंदिर में नगर निगम आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली के मेयर श्रीमान आदेश गुप्ता जी, केशवपुर जोन के डीसी पुष्पेंद्र जी और उनके सीनियर अधिकारियों ने सभी आरडब्ल्यूए और व्यापार मंडल के प्रधान व आरडब्ल्यूए अपार्टमेंट की टीम के साथ बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। आरडब्ल्यूए से अपना घर सोसाइटी, वीनस अपार्टमेंट, नवीन अपार्टमेंट, जागृति अपार्टमेंट, सहयोग अपार्टमेंट्स, मॉडर्न सोसाइटी, रानीबाग व्यापार मंडल, कैप्टन सतीश मार्ग मंडल, ऋषि नगर आरडब्ल्यूए, रानीबाग आरडब्ल्यूए के सभी पदाधिकारियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। नगर निगम आपके द्वार आया, मैं निगम पार्षद जी के माध्यम से जरूर चाहूंगा कि आज नगर निगम के द्वार आने पर हमारे मेयर साहब अभी रस्ते में हैं, आ जाएंगे और उनके काम तो देखो पीसी साहब के संरक्षण में होने वाला है। आज पीसी साहब हैं जितना मैं जानता हूँ वो तो किसी काम को छोड़ दे रहे हैं, तो जो बिंदु मैं बता रहा हूँ उसमें जरूर ध्यान से सुने। एम टू के अभी थोड़े महीने पहले हमारे पास आया है, एम टू के मार्केट हमारे पास आए हैं, मैं यहाँ पर हमारे सफाई वाले एस एस साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, मैं उसके साथ साथ जो हमारे पास वहाँ के कर्मचारी हमारे पास होने चाहिए थे वो नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, है तो वो बताएंगे, नहीं है तो वो लाएंगे, बड़ा क्लियर है। क्योंकि इसी साहब वहाँ जाने के बाद ऐसे लगता है किसी एम टू की मार्केट में नहीं हो गए, किसी का घर में हो गए, बिल्कुल प्योर बात, इसमें कोई नहीं किसी किस्म की छुपाने वाली रखने वाली बात नहीं। मैंने काफ़ी आग्रह किया कि वहाँ पर किसी तरीके से भीड़ मिला के किया जाए, पर मेरे पास बात आती कि वहाँ के कर्मचारी हमारे पास नहीं है अभी, तो मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, एस एस साहब बैठे हुए हैं, आप सजेस्ट करेंगे तो यहाँ पर वो हमारी कमी दूर हो जाएगी। दूसरा इसके अंदर लिखा हुआ है मेरे को दिया है कि ये अंदर टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, वो जानना चाहते हैं कि टैक्सी स्टैंड क्यों है अंदर और उन्होंने एग्नोसमेंट पटरियों की क्यों की हुई है। ये यहाँ पर लेटर थे जावन साहब ने लिख के दिया है, इन्होंने काफ़ी बार कंप्लेंट किया है तो हमने इनसे हमने भी वादा किया कि हम नेतागिरी काम कार्यकर्ता एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करेंगे, आपकी समस्या हल करेंगे जरूर, चाहे बहुत कुछ उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि कर्तव्य धोनी सर का स्वागत करें क्योंकि वो आज आपकी समस्याएं सुनने के लिए स्पेशल आपके बीच में आए हैं। भाई आदेश गुप्ता जी, प्रार्थना करूंगा हमारी बहन वंदना देवी जी से कि वो हमारे महापौर भाई आदेश गुप्ता जी का स्वागत करें। बहन वंदना देवी आदरणीय हमारे महापौर भाई आदेश गुप्ता जी, इन्होंने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है कि नगर निगम आपके द्वार और उसी के निमित्त जो है ना आज इनका चलाया हुआ ये एक प्रक्रम, उसी के निमित्त आज यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं कि हमारे जो रेजिडेंट हैं चाहे आरबी हो चाहे ट्रेडर एसोसिएशन हो या यहाँ के निवासी हो, हमारे पूरा का पूरा स्टाफ आपके द्वार पे आए और आपकी समस्याएं सुने, उसके लिए भाई आदेश जी बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूँगा पहले आप इनके लिए एक बार जरा जोरदार ताली बजाइए। जेटली जी ने ये बात उठाई थी क्योंकि मैं वंदना जेटली जब से निगम पार्षद बनी है और वार्ड कमेटी में जब से आई है शायद कोई ऐसी कमेटी कोई मीटिंग ऐसे खाली गई हो जिसमें इन्होंने अपनी बात बना रखी हो और बड़े जोर शोर से बड़े विश्वास के साथ बड़े जोर शोर से अपनी बात रखी है। अभी पिछली मीटिंग में भी इन्होंने एम टू का जो हिस्सा हमारे पास मीडिया से आया है उसके बारे में इन्होंने रखा था और एक एनक्रोचमेंट की बात थी, ये तो हमारी कहती है और उसके साथ साथ जो पार्किंग का मैटर है वो इतना गंभीर मैटर है कि लोग लूट के खा रहे हैं एनडीएमसी को। अगर किसी को मान लो 1,00,000 रुपये का हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो वो वहाँ से कम 15,00,000 रुपये की अर्निंग कर रहा है 2 नंबर के कामों से,
ये बात इन्होंने बिल्कुल सिद्ध करके दिखाई है। यहाँ हमारे वो डीसी साहब नहीं है संजय जी, उनके सामने कई बार बात रखी है ये, तो वो डीसी साहब बैठे हैं और इन्होंने वहाँ बात रखी हुई है। क्योंकि एक M2 के जो एक बड़ा प्रेस्टीजियस पैलेस है, जगह है, लोग न जाने कहाँ कहाँ से घूमने आते हैं और आसपास के क्षेत्र में उसका पूरा प्रभाव है। अगर वहाँ इस तरह की न्यूसेंस क्रिएट की जाएगी या उसका मिसयूज किया जाएगा तो लोगों में उसके निगम के प्रति जो है भावना गलत जाएगी। हम लोग नहीं हैं, पहली बात यह है, सीवर पानी जो दूसरी बिजली जो आती है वो हमारे पास नहीं रहती, लेकिन आप लोग जो हमें आप लोगों ने बनाया है, आप जब जब हमें बोलते हो हमारे पास जितनी ताकत होती है लगा के काम कराने की कोशिश करते हैं। कल मैं आपके आयुष्मान योजना याद आ गया मेरे साथ, वहाँ भी समस्या आई थी, मैंने आपको कहा था आपका ऑथराइज कनेक्शन नहीं है, इसकी आप जांच कर लें, जांच करवाएं, ऑथराइज नहीं है। मेरी सर अगर वो मानते हैं तो दिल्ली सरकार मानती होगी, मेरा नगर निगम नहीं मानता। हमारे तो ये मालिक है नगर निगम में और आप इनसे पैसे मांग लिए तो इसलिए मांगे क्षेत्र का जो विकास रुका हो, मेरा विकास हो, जो राशि हमें वहाँ मिलती है थोड़ी ना साफी है, मेरे साहब के हाथ में है वो मामला, हमने इसे निरंतर झुका के हाथ जोड़ के विनती की आप लोगों के लिए कि हमें राशि दी। और जल बोर्ड और सिवर दोनों हमारे पास नहीं, आप अपना प्रतिनिधिमंडल बना के जो जनप्रतिनिधियों के पास जाए ताकि समस्या का हल हो, सफाई की जो समस्या होगी 15 मिनट के अंदर, मैंने बार बार मीटिंग में कहता हूँ 15 मिनट में सफाई कर्मचारी आएगा और 15 मिनट में और आधे घंटे से लेकर हम कूड़ा उठवाएंगे। लेकिन इन सबके साथ साथ आपका कोऑपरेशन, आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका इंक्लूजन, आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है और उसी भागीदारी के प्रयास के निमित्त हम लोग यहाँ बैठे हैं। क्योंकि कोई भी सरकारी संगठन, सरकारी अमलावरी वो तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक आप जैसे समाज के जागरूक और अग्रणी लोग आगे नहीं आएंगे भागीदार और अपनी जिम्मेदारी। ये बात सही है कि निगम को भी अपने बिल्कुल इस काम में परफेक्ट रहना चाहिए कि कोई भी कंप्लेंट अगर जाती है फोन पर या किसी की तो कंप्लेंट का आधार होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमने मेयर हेल्पलाइन सेवा भी है जिसका नंबर 9643090 है, वो नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई भी कंप्लेंट है किसी भी तरह की। यहाँ पर बहुत सी ऐसी समस्याएं आप लोगों ने बताई जो निगम से संबंधित नहीं की है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, पुलिस प्रशासन की हो या फिर चेयरमैन की हो, दिल्ली सरकार की हो, वो ये बात सही है कि हम लोगों के दायरे में नहीं आती है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते हम वो समस्या सुनते हैं और संबंधित विभाग तक पहुँचाने का और उसको सही से समाधान निकल जाए उसका पूरा प्रयास भी किया जाता है। पिछले बार भी मैं मेयर बनने के बाद इस प्रांगण में आया था, बहुत ही पवित्र कार्यक्रम हुआ था आदिवासी बच्चों का, उसमें गुरुकुल के बच्चे थे उस कार्यक्रम में भी आया था। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताऊँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे सिविल सेवक से संबंधित हैं। आज हम लोग दोषारोपण करते हैं किसी सरकारी एजेंसी को, हमारी प्राथमिकता है कि हमारे इलाके में सफाई रहे, सफाई कर्मी टाइम से आया सफाई करें, हाँ वो सफाई नहीं करते तो उनकी गलती है, लेकिन सफाई करने के बाद वो सफाई बरकरार रहे वो जिम्मेदारी किसकी है, किसकी है आप सब लोगों की है, मानते हैं ना? नहीं बिल्कुल, पहली मैंने बात कही सफाई अगर नहीं हुई तो वो जिम्मेदारी हमारी है और
उसके लिए बता रहा हूँ। और सफाई अगर हो गई और वो सफाई बरकरार है, वो जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है ना, है ना? हमारी जिम्मेदारी है। एक बार हाथ आप लोग मानते ना है। देखो हम अपने घर साफ रखते हैं, घर में अगर कोई भी व्यक्ति इधर उधर कपड़े रखता है या इधर उधर बच्चा कोई कागज फेंकता है, कूड़ा फेंकता है, तो हम लोग रोकते हैं, तो वैसे ही वो जिम्मेदारी है। लेकिन अगर इलाके में कोई सफाई कर्मी रेगुलर नहीं आता है तो आप हमें बताएं, यहाँ के निगम पार्षद को बताएं, वो अधिकारी को बताएं, मैंने मेयर हेल्पलाइन नंबर बताया है, उस नंबर पर भी आप बता सकते हैं। और अगर इसके बाद भी नहीं होती तो मैं बहुत जल्दी एक ट्विटर पर भी एक प्रोग्राम शुरू करने वाला हूँ, जिसपे आप ट्वीट भी कर सकते हैं कि भाई आप फोटो खींचिए और डालिए, तुरंत आपका आपकी समस्या का समाधान होगा। क्योंकि निगम की जो पहली प्राथमिकता है वो है सफाई, सेकेंडरी बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। जहाँ तक इंक्रोचमेंट का सवाल है, इंक्रोचमेंट बहुत से ऐसे, अभी इतने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि आप सभी कहेंगे इंक्रोचमेंट से बहुत परेशानी है। लेकिन ध्यान में क्या आता है, जब इंक्रोचमेंट के खिलाफ अभियान चलता है तो आप में से ही बहुत से लोग कुछ सिफारिश लेके आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम सही है गलत, सही और गलत नहीं है, हमें तय करना है। हमारा तो काम है इंक्रोचमेंट हटाना। और ये इंक्रोचमेंट जो आज भी शशि ने जिक्र किया, वो मैं डीसी से कहूँगा बिल्कुल ऐसी स्थिति बरकरार है, इसके लिए हमें हफ्ते कौन यहाँ पे एलआई है, अगर वो एलआई सही से काम नहीं करता तो उस एलआई के खिलाफ भी अच्छी तरह। मैं अभी पहाड़गंज स्टेशन के नई दिल्ली स्टेशन पर गया था कल परसों, और वहाँ पर जो हालात थे, 4x6 अगर किसी को अलॉटमेंट है जिसके पास लाल पर्ची है, वो 20x20 के कोका बना लिया उसने। ढाबा जो 4x6 का होना चाहिए था, जो अलॉटमेंट है वो 20x20 कर लिए, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ऐसा है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का इंफोर्समेंट करता है कोई, उसके खिलाफ भी और जो करवाता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट अपने समय समय पर जो कार्रवाई करता है, वो जहाँ जहाँ पे छिड़काव करना, दवाइयों का पानी भरता है, आप लोगों की टंकियों का चेकअप भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जो जिम्मेदारी हमारी, उस अगर हमारी छोटी सी लापरवाही से दूसरे की जान भी जा सकती है। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि खुला खुला होता था, आपका मकान एकदम बिल्कुल ज्वाइंट है और इतना कंजेस्टेड इलाका होने के कारण बहुत सी चीज़ें ऐसी हमें पता भी नहीं लगता है कि हमारी छत पे वो मच्छर पनप रहा है जिसके काटने से किसी की जान भी जा सकती है। तो ये जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि हमारी जो जिम्मेदारी वो बढ़ती जाती है। जब हम समाज के इस वर्ग से आते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। भाई सरकार का जो एक वर्ग, सरकार का एक अमला है, आपके पास जीबीसी कर्मी आएगा वो बेल मारेगा, अगर बेल आप घर में है तो वो चेक करेगा, घर में नहीं है तो फिर वो अगले दिन के लिए छोड़ देगा। तो हमारी भी अगर हम अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं तो इसमें बहुत सारा आराम, ऐसा नहीं कि वो एमसीडी को आराम हो जाएगा। एमसीडी जो भी काम करता है, आपके सामने अगर आज हम लोग यहाँ आए तो कुछ हिम्मत करके ही आए, ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करते इसलिए हमें वहाँ फेस करने की जरूरत है। यहाँ से कोई भी सरकार होगी, दिल्ली सरकार होगी, उनके नुमाइंदे आते होंगे नहीं आते होंगे हमें नहीं पता, लेकिन कॉर्पोरेशन ने हिम्मत दिखाई आप लोगों के सामने आने की, इसलिए कि हम काम करना चाहते हैं, काम करने की इच्छा है और आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। इसलिए तो मैं कह रहा था कि आज मैं कल जब कुछ दिन पूर्व इंदौर गया, इंदौर हिंदुस्तान का स्वच्छता में नंबर बनाया, तो मुझे भी वहाँ जाने की इच्छा हुई। मैं वहाँ गया और वहाँ पर देखा कि किस तरह लोग जो सामान्य नागरिक है, ईमानदार है, घर में रेजिडेंट इलाके है, वहाँ पर लोग किस तरह से एक भी आपको खुला सर्कट सड़क पर नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी भीड़ भरा मार्केट हो, चाहे कितनी भी कंजेस्टेड कॉलोनी हो,
क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक हैं, वो कोई भी कूड़ा कचरा अगर फेंकता है तो उसको टोकते हैं, उसको जलील करते हैं, और खुद में इतना है कि वो खुद फेंकते नहीं है, वो खुद ऐसा नहीं करते हैं कि रात के अंधेरे में सड़क के पास जाके थैली फेंकती है, रात के अंधेरे में या चुपचाप कोई नहीं देख रहा तो कार के नीचे फेंकती, चुपचाप कोई नहीं देख रहा तो रेलवे लाइन के साइड में डाल दी, अपना जो रिटायर्ड फर्नीचर है, गंदा सोफा है, वो पास के पार्क में या कोई खाली जगह में डाल दिया। तो ये सब चीजें ऐसा नहीं कि इसको देखने के लिए कोई भगवान जी आएंगे, इसको भगवान जी देखेंगे नहीं, और कारपोरेशन भी कोई भगवान नहीं है, ये भी इंसानों का संगठन है आप जैसे। तो अगर हम लोग सब लोग सहयोग देंगे, हाँ ये कि अगर आपका कोई ऐसा सामान है, अगर वो गाड़ी में पड़ना है या डिस्पोजल जगह में जाना है तो उसके लिए आप मदद ले सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने अपनी लाइब्रेरी आपने वो बाहर फेंक दी, आपने अपना घर साफ किया और पोल्ट्री बांधी, कपड़ों की रिटायर्ड कपड़ों की बाहर रख दी, बाहर कुत्ता आएगा और वो पूरा इधर उधर कर देगा, ऐसी हालत है कि नहीं, आप बताओ, आप मानते इस बात? तो ये सब चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एमसीडी आपके द्वार है, निगम आपके द्वार है, मेयर, जोन चेयरमैन, निगम पार्षद, निगम के अधिकारी सब आपके पास आए, हम पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हैं। अगर ये भावना के जैसे घर का हमारा कमरे का बेडरूम का फर्श है या फिर आंगन है या हॉल है अपने घर का, जब जैसे घर को साफ रखते हैं, अगर उस तरह की भावना आ जाएगी तो हमको कचरा फेंके के लिए, मैंने कई बार ऐसा चेक किया, लोगों ने भंडारा लगा रखा है और इतनी बुरी तरह से वो बांट रहा है, पूरी लाइन लगी हुई है, लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं और वहीं फेंक रहे हैं। मैंने एक भंडारा करने वाले से भाई साहब से पूछा, मैंने भाई साहब आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, लेकिन एक यहाँ डस्टबिन भी रख लेते हैं और जैसे कोई सेवादार है कि परोस रहा है, ऐसे एक सेवादार डस्टबिन के पास खड़ा कर दो और जो खा रहा है उसको बोलो कि भाई साहब खाने के बाद उसको डाल, है बात अच्छी होना चाहिए। अच्छा, लोग क्या करते फिर, वो भाई साहब मेरे से बोले, भाई साहब चिंता नहीं करो आप ना सर, ये मैं बिल्कुल साफ कर पा रहा हूँ। मैंने कहा एक बात बताओ, नहीं वो साफ भी कर देंगे, लेकिन अगर अच्छा एक बात बताओ, आपने पुण्य लूट लिया सारा ये भंडारा करके, उसके बाद आपकी सफाई करके आप सारा पुण्य लूट दो, इन लोगों को भी तो कुछ करने दो भाई, हमें भी तो सिविक सेंस लोगों को सिखाने हैं, ऐसा तो नहीं कि सारे हम ही नहीं करने का, सारा ठेका हमने तो ले नहीं रखा है भाई, जो लोग हैं अगर सब लोग एक, अगर एक व्यक्ति के दो हाथ हैं दो हाथ करेंगे तो अगर 100 लोग होंगे तो 200 काम होंगे ना, 200 के बराबर होगा काम। तो अगर भंडारा हम करते हैं और छबील लगाते हैं तो अगर नहीं है तो एक पॉलिथिन ले आओ बड़ी सी, वो रखो और लोगों को कंपेयर करो, तो इससे दो फायदे होंगे, सफाई होगी, दूसरा जो भंडारा लेगा वो बाद में आगे भी सीख जाएगा कि जहाँ में भंडारा लेना है वहाँ पर डस्टबिन के साथ डस्टबिन पे डालना है, जो कचरा जो खाएंगे जो मेरे दोस्त है वो वहाँ डालना है, वो इधर उधर नहीं फेंकना है। अरे होता क्या, लोग लेके चले जाते कहीं इधर फेंका कहीं उधर फेंका और फिर वो इधर उधर गंदा सा दिखता है, और अगर संडे वाले दिन कर दिया तो फिर वो क्या काम, सैटरडे को कर दिया तो मंडे को जब आएंगे सफाई करनी तब तक बुरा हाल हो जाएगा, तो वो जो दृश्य होता है वो खराब होता है। मेरी आपसे अपील है, गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप लोग अगर सब लोग अग्रणी वर्ग के लोग हैं, अगर एक एक करके लोग कहेंगे तो 100 जगह ये बात जाएगी, और ये बात करेंगे तो हमारी दिल्ली साफ सुथरी रहेगी, और निगम आपके द्वार कार्यक्रम का जो मकसद है वो यही है कि हम पूरी तरह से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर बताया 9643096430, उस पर भी कर सकते हैं। अगर आप लोग ट्विटर पर हैं तो मेरे को भी आदेश कुमार गुप्ता @gmail.com पे है मेरा ट्विटर अकाउंट, उस पर भी आप अगर ट्वीट करेंगे तो वो प्रॉब्लम भी तुरंत ही रिजॉल्व की जाएगी। आप लोगों ने बड़े ध्यान से हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। उत्तरी दिल्ली के मेयर के बाद नगर निगम पार्षद मंदना जेटली जी ने सभी RWA के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया और कहा कि मैं आपकी सेवा के लिए चुनी गई हूं, जो जो बातें इस मीटिंग में रखी गई हैं हम नगर निगम के अधिकारियों के माध्यम से वह सारी समस्याओं को हल करेंगे
बस आप मुझे सहयोग करें ताकि मैं अपने कर्तव्य का पालन करते रहूं। मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई आदेश जी, जो हमारे मेयर भी हैं, और जोगी राम जी जो जोन चेयरमैन हैं, और किसी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए हमें काफ़ी बातों से जागरूक हो, और यहाँ पर सभी आर्ट हुए और सभी दुकानदार भाई और मेरी बहनें सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए और अपनी समस्याएं रखे। रोज हम समस्याएं तो सुनते हैं, लेकिन आज आप डायरेक्ट समस्याएं रख रहे हैं और ये डायरेक्ट ही खत्म होगी जो मुझे उम्मीद है। और हमारे डीसी साहब नए अपॉइंट हुए हैं यहाँ पर, और ये खुद की पुलिस से आए हैं, ये डायरेक्ट डीसी नहीं है, मतलब पुलिस से यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं, तो इनको सारी परेशानियाँ आम जनता लोगों की पता है, तो थोड़ी सी आपकी ब्रीफिंग हो गई है, इससे बड़ा अच्छा रहेगा। और ये हम सब मिलजुल के काम करेंगे और ऐसे ही काम करेंगे जैसे हम आगे करते आए हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। हेलो दोस्तों, आप देख रहे थे हेल्प न्यूज इंडिया खबर सब तक। लेटेस्ट न्यूज और वीडियो को सबसे ऊपर अपने फोन पर अपडेट देखने के लिए अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।